हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आज के न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं दिखाती हूँ कि मकान कहाँ तक बना दिया है। और आज बारिश की वजह से दोपहर के बाद मिस्त्री फ्री थे, आज इन्होंने बहुत कम काम किया है और अब डाल रहे हैं ईंटें। सुबह के लिए तैयारी कर रहे हैं भाई, सुबह के लिए ईंट डाल के चले जाएंगे तो सुबह जल्दी आ करके काम पर लग जाएंगे। जल्दी तो क्या जाओगा, टाइम तो वो कर दूंगा। पंडित जी की बनाओ इस बार के। पंडा साहब ऊपर मुंह कर दे, दोनों की बन जाएगी। नहीं यकी वजह से रहे कर लिया। अंडे ऐसे बोल दो आज मिस्त्रियों को लंच के बाद नहीं काम। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मकान कितना बन करके तैयार हो गया। ये हमने लगा दी बड़ी विंडो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइएगा आपको बड़ी विंडो कैसी लगी। और आज इन्होंने डाल दिया है डोर लेंटर। एक दीवार में रह गया है, वो आज करके आज कंप्लीट कर देंगे। लेकिन मौसम की वजह से आज बहुत कम काम कर पाए क्योंकि बीच में बारिश आ गई। दो तीन दिन से बारिश हो जाती है तो इतना काम नहीं कर पाते। अभी सिर्फ एक दीवार रह गई है, उस पर आज डोर लेंटर लगा करके कंप्लीट कर देंगे। तो इसी हिसाब से लगता है कि 1 वीक में ये लेंटर लगा करके तैयार कर देंगे। सिर्फ इसी दीवार पर रह गया है डोर लेंटर लगाना, आज लगा करके कर देंगे कंप्लीट। अब सरिता ने बना दी है मिस्त्रियों के लिए चाय, शाम वाली 5 बजे वाली चाय। आंटी तो आपकी रह गई है मैडम। चार तो रोटियां बनाई मैं और 7 लाख ही बनवाऊंगा गादरी, फिर के टेंशन से तेरे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।